Hello traders, so welcome to a new live session on value area strategy. So as you can see, abhi just market open hua hai, abhi time hua hai 9:17 and the market has opened gap up today. So and what I have on the chart is the stock of Dr. Reddy's lab, and we are on a 60 minute time frame. So as you can see, I have already drawn the value area. मैंने यहाँ पे value area draw कर चुका है, and as you already know, the top line is the high and bottom is the value area low, and the center line here is the point of control. Yeah. So last 18 से, that means around 10 ट्रेडिंग सेशन से, ये प्राइस इस वैल्यू एरिया के अंदर ही आगे पीछे घूम रहा है. यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज़ गोइंग वैल्यू एरिया हाई, देन गोइंग टू वैल्यू एरिया लो, देन सर्कुलेटिंग समवेयर अराउंड द वैल्यू एरिया पॉइंट ऑफ कंट्रोल. सो यहाँ पे आज हम वेट कर रहे हैं कि ये जो प्राइस है ये वैल्यू एरिया हाई जाकर रिजेक्ट हो, इसलिए हम लोग छोटा टाइम फ्रेम पे चलते हैं, दैट इज़ अराउंड 3 मिनट्स टू सी मोर डिटेल्ड कि वॉट इज़ हैपनिंग इन द लोअर टाइम फ्रेम. विल गो टू 3 मिनट, देन इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ सो दैट वी कैन क्लियरली सी वॉट इज़ हैपनिंग इन साइड द वैल्यू एरिया. या सो ओके, एज यू कैन सी आज मार्केट ओपन हुआ ही है पी ओ सी के ऊपर पे, करेक्ट. ये सेंट्रल लाइन आपको ऑलरेडी पता है, ये पी ओ सी है. तो मार्केट आज ओपन हुआ, दैट इज़ रेड्डीज का, डॉक्टर रेड्डी लैब का स्टॉक ओपन हुआ पी ओ सी पे, एंड वी आर वेटिंग फॉर रिजेक्शन एट द एक्सेस पार्ट. मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था आपको एक्सेस क्या होता है. सो एक्सेस इज वेन प्राइस गोज आउट ऑफ द एरिया. सो अभी हम लोग इस एरिया पे रिजेक्शन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि रिजेक्शन के बाद हमेशा प्राइस वापस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आता है. सो दिस वी आर वेटिंग फॉर अ रिजेक्शन एट दिस पॉइंट. सो मोस्टली प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट होना चाहिए. इवन इफ मार्केट इज लिटिल बुलिश, आई एक्सपेक्टेड टू रिजेक्ट एट दिस पॉइंट. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर. तो अगर हम देखें कि इस वैल्यू एरिया पे कैसे प्राइस मूवमेंट हुआ है अभी तक, तो यू कैन क्लियरली नोटिस दैट दिस वैल्यू एरिया इज़ वेरी यूजफुल इन ट्रेडिंग फॉर डॉक्टर रेड्डीज लैब इन द लास्ट 10 सेशंस. जैसे कि अगर मैं लास्ट कल का अगर ट्रेडिंग डे का रिजल्ट निकालूं, एक मिनट, ओके, सो अभी 3080 चल रहा है. सो व्हाट विल डू इज विल गो टू यस्टरडेज चार्ट. ओके, सो यस्टरडे यू कैन सी कि यहाँ पे वैल्यू एरिया के एक्सेस में प्राइस खुला, सो गैप डाउन ओपनिंग हुआ, एंड दैट वाज वेरी मच एक्सेस ऑफ द वैल्यू एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा दूर खुला है वैल्यू एरिया से. सो दिस इज़ एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी जो सीधा जाके सीधा पी ओ सी पे लैंड किया वापस प्राइस. सो सीइंग द बिग कैंडल ऑन द फर्स्ट ओपनिंग इट्सेल्फ, यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ट्राइंग टू गो अप, एंड आफ्टर दैट इट वेंट टू अ स्मॉल एक्सेस एरिया इन द वैल्यू एरिया लो, एंड देन इट वेंट बैक टू द पी ओ सी अगेन. सो ऐसे ही प्राइस इस वैल्यू एरिया के अंदर में ही था लास्ट टेन ट्रेडिंग सेशन के बीच में. सो आप अभी देख सकते हैं, अभी प्राइस स्लोली वो पॉइंट से रिजेक्ट हो रहा है जिसको हम लोग एक्सेस एरिया बुलाते हैं. सो यू कैन क्लियरली सी दैट इज़ एन एक्सेस एरिया जहाँ पे अभी धीरे धीरे प्राइस रिजेक्ट हो रहा है. देखते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है, क्योंकि निफ्टी इज़ द ओवरऑल इंडेक्स जिससे पता चलता है मार्केट किधर जा रहा है. तो मैं हमेशा निफ्टी साइड बाय साइड देखता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है. एज यू कैन सी
अब एक रेड कैंडल एंड ये एक नीचे सपोर्ट पे वेट कर रहा है ब्रेक होने के लिए। सो यहाँ पे क्लियरली आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो, यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है उसको ये पॉइंट से। बहुत सारे जगह पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम किया है ये एक प्राइस। सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट। ओके, सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि अगर प्राइस यहाँ ब्रेक होता है तो ये नीचे कहीं तो जाके कंट्रोल वैल्यू सॉरी पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे गिरेगा, जो मैंने बहुत पहले से ड्रॉ किया है निफ्टी का। सो ये वैल्यू ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे जाके प्राइस हिट करना चाहिए। दैट इज़ जस्ट अ प्रेडिक्शन, यू कांट टाइम द मार्केट। सो वापस रेडी स्लैब जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है। यस, यहाँ पे क्लियर रिजेक्शन साइंस मिल रहा है हम लोग को। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे क्योंकि वो एक एक्सेस एरिया है, और टेक प्रॉफिट्स विल ऑलवेज बी ऑन द पॉइंट ऑफ कंट्रोल। हमेशा पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे ही प्रॉफिट लेना चाहिए इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, चाहे आप वैल्यू एरिया लो से शुरू कर रहे हो या फिर वैल्यू एरिया हाई से शुरू कर रहे हो। सो दिस इज़ अ प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट। सो अभी एक्चुअली प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका है, वापस एक बार प्राइस ऊपर जाना चाहिए तभी हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा क्लियर रहेगा। दैट मीन्स वी नीड टू शॉर्ट जस्ट ऑन द वैल्यू एरिया हाई, वही यहाँ पे सही स्ट्रैटेजी रहेगा ताकि हमारा रिस्क बहुत छोटा रहे वहाँ पे, क्योंकि ऊपर स्टॉप लॉस जस्ट एक्सेस के ऊपर है। सो यहाँ पे वापस प्राइस थोड़ा सा ऊपर हो रहा है। लेट्स गो टू निफ्टी 50 एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग। एक छोटा सा ग्रीन कैंडल आया, रिकवरी कैंडल आया यहाँ पे, वो सपोर्ट लेके ऊपर गया, बट आई सस्पेक्ट दैट इज़ नॉट दैट पावरफुल। सो प्राइस नीचे आना चाहिए टू रीटेस्ट दिस सपोर्ट एरिया। सो अगर ये इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली दैट डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक विल गो डाउन एंड इट विल टच द पीओसी। सो मॉर्निंग से ही स्टॉक इस एक रेंज के अंदर है, ओपनिंग कैंडल रेंज 3 मिनट का कैंडल रेंज के अंदर ही है अभी तक तो। सो लेट सी। सो नॉर्मली आई डोंट टेक ट्रेड्स अंटिल 5 कैंडल्स हो जाए या फिर दैट मीन्स 15 मिनट्स हो जाए। सो ये कंट्रोल प्राइस के ऊपर ही निफ्टी 50 कुछ दिनों से मूव कर रहा है। आई जस्ट शो यू इन द बिगर पिक्चर, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि मैंने ये एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था यहाँ पे, तो उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ है। सो विल गो बैक टू रेड्डी स्लैब। आई सपोज कि यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होता दिख रहा है मेरे को। सो लेट्स गो बैक टू रेड्डी लैबोरेटरी स्टॉक एंड सी व्हाट इज हैपनिंग देयर। ओके, तो यहाँ पे क्लियर ब्रेकडाउन दिख रहा है जो वापस ऑलमोस्ट वैल्यू एरिया हाई को टच करके ये स्टॉक वापस आया है सेकेंड टाइम। सो दैट शुड बी द राइट पॉइंट टू टेक टू गेट इनसाइड द ट्रेड। सो मैं एक और बार स्टॉप लॉस और प्रॉफिट लेवल यहाँ पे दिखा देता हूँ कि दिस शुड बी योर स्टॉप लॉस बिकॉज दैट इज एन एक्सेस एरिया एंड दिस द पीओसी विल ऑलवेज बी द प्रॉफिट टेकिंग लेवल, द टेक प्रॉफिट लेवल। सो लेट्स सी व्हाट प्राइस इज ट्राइंग टू पुश। देर आर विक्स ऑन द बॉटम साइड, दैट मीन्स बाइंग प्रेशर है। 2 विक्स क्रिएट हुए नीचे की तरफ जो कि बाइंग प्रेशर है, बट आई सपोज द प्रेशर इज नॉट दैट हाई। दैट मीन्स बाइंग प्रेशर इज नॉट दैट हाई एज कंपेयर टू द सेलिंग प्रेशर।
सो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें अपना, अगर आप एंट्री लिए होते, सॉरी ये लॉन्ग का स्ट्रैटेजी है, सॉरी शॉर्ट स्ट्रैटेजी में जाते हैं, शॉर्ट का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं, शॉर्ट पोजीशन का, अगर आप वैल्यू एरिया हाई पे ट्रेड एंट्री लिए होते तो ये नीचे आपका प्रॉफिट टेक पॉइंट है, ये आपका स्टॉप लॉस है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं इट इज़ अ क्लियर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 2, सो जो कि इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आई प्रेफर 1:2 रेशियोज़ फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, बट आई थिंक 1:1.5 इज़ ऑल्सो गुड फॉर मी। सो आई नॉर्मली बुक माई प्रॉफिट्स, पार्शल प्रॉफिट्स एट 1:1.5 रेशियो, जो कि ऑलमोस्ट अभी रीच कर चुका है इस पॉइंट पे अभी। सो दिस वॉज आवर स्टॉप लॉस एंड दिस वॉज आवर प्रॉफिट। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि यहाँ पे क्या होता है। मैं एक और बार ड्रॉ कर देता हूँ स्टॉप लॉस एंड द प्रॉफिट पॉइंट, एंड लेट्स वेट कि यहाँ पे प्राइस का क्या हो रहा है। सो वेलकम बैक। सो हम देख सकते हैं क्लियरली प्राइस हमारे पॉइंट तक तो नहीं आया, बट इट वॉज़ वेरी नियर टू द POC एंड इट गॉट रिजेक्टेड बैक, एंड यू कैन सी 3 क्लियर विक्स विच इज़ एक्चुअली शोइंग अस दैट द बायर्स आर एक्टिव, और एल्स हम बोल सकते हैं कि देर इज़ बाइंग प्रेशर एट दिस एरिया, करेक्ट, बिकॉज 3 क्लियर विक्स आर शोइंग बाइंग प्रेशर। सो आई थिंक 1:1.5 रेशियो से ही यहाँ पे ट्रेड क्लोज करना बेटर रहेगा। सो इट इज़ ऑलमोस्ट एट 1:1.5 रेशियो, बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस कहीं वहाँ था और हमें यहीं पे ही अपना ट्रेड क्लोज कर लेना था पार्शियल, क्योंकि हमारा POC तो रीच नहीं हुआ, बट इट्स ओके, इट हैपेंस, क्योंकि मार्केट हमें बताएगा, ना कि हम मार्केट को बता सकते हैं क्या हो रहा है। लेट्स गो टू निफ्टी 50 एंड चेक। ओके, तो वो यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर बाउंस कर गया। ओके, सो दिस इज़ द सपोर्ट पॉइंट जहाँ से वो बाउंस कर गया, एंड क्लियर बुलिश कैंडल्स यू कैन सी। सो यहाँ पे निफ्टी 50 में भी मुझे लग रहा है इस रेंज का टॉप टेस्ट करने का स्ट्रैटेजी बिल्ड हो रहा है यहाँ पे। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। कीप एक्सपेरिमेंटिंग विथ वैल्यू एरिया स्ट्रैटेजी एंड कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।